कपूर अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने ग्लैमर और अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी जानी जाती हैं। लगातार छठी बार वो कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलने वाली हैं। खुद सोनम कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो मैं पूछ नहीं सकता आपसे कि कितनी नर्वस हैं आप, कितनी एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप 5 साल से जा रहे, तो ऑब्वियसली आप एक्साइटेड होंगी, नर्वस नहीं होंगी? मैं एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि हर साल जब मैं कैन जाती हूँ, साउथ ऑफ फ्रांस जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक मेल्टिंग पॉट ऑफ द फिल्म एंड ग्लैमर इंडस्ट्री में आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ लोग हर किसी फिल्म की फील्ड से, फैशन की फील्ड से, सारे फील्ड्स के लोग हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, यू नो, ब्रांड्स, फैशन डिज़ाइनर्स, और बहुत ही दे कम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और लॉरियल पेरिस जो है वो हमें बहुत ही खूबसूरती से होस्ट करते हैं, तो खुशी की बात है, एक हॉलीडे भी बन जाता है, पर काम भी करना पड़ता है, तो सब कुछ एक साथ हो जाता है और बहुत खुशी होती है। सर, इस बार आपका लुक क्या होगा, किस तरह का ड्रेस पहनने वाली है, कौन होगा डिजाइनर, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है, पर मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि मैं इन्फेलिबल रेंज मेकअप पहनने वाली हूँ। वहाँ 3-4 कलर्स हैं, वही कलर्स पहन सकती हूँ, और मेरा जो लुक है वो उस वो मेकअप के हिसाब से मैं डिजाइन करने वाली हूँ। अच्छा, एक बार हमने देखा था कि कान फिल्म फेस्टिवल में आपने नर्क के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत हॉट टॉपिक था वहाँ पर, इस बार कुछ ऐसा कुछ अलग करने की कोशिश? जी, मैं वापस इंडिया इंस्पायर्ड ही करूँगी, क्योंकि हमारा जो रेंज है वो भी इंडियन लड़कियों के लिए है, तो आई एम गोना डू समथिंग विच इज़ इंस्पायर्ड बाय इंडिया, नॉट नेसेसरीली कि मैं इंडियन ड्रेस पहनूंगी, पर इंडियन इंस्पिरेशन डेफिनेटली लूंगी। इससे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।